Happy birthday to you. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विथ माय ब्रो आशीष एंड सभी को इशू सा है, जय इशू एंड इशू सा है। अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो फिलहाल आज कोई ऐसा मूड तो नहीं था व्लॉग करने का, लेकिन यहाँ पे हम आए हैं टोनी के बर्थडे में और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नाच रहे हैं हम और कोशिश करूंगा अभी मैं आपको दिखाने को क्या क्या होगा। उसका बर्थडे है टोनी का आज, कल था तो, हाँ कल था, लेकिन उसकी सिस्टर का बर्थडे है तो ये जोश दे सकते, जोश देख सकते हैं आपको और साउंड भी आप सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, हमारा भी देख रहे होंगे पसीना पसीना हो गए हम। तो अभी जाते हैं और आपको दिखाते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते होंगे इनका जोश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। कोशिश करते हैं कि या हम अपने परिवार के साथ में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या कलीग्स के साथ में क्या करें, उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, ठीक। पर ये एक सांसारिक तौर तरीका है ना, ये हम जानते हैं, ये एक सांसारिक तौर तरीका है और इसमें ऐसा है कि सांसारिक तौर तरीके में प्रतिदिन हर साल यही चीज़ होना है ना, ऐसे ही होगा ना। अगले साल भी हम केक ले आएंगे, काटेंगे, फिर अगले साल भी केक ले आएंगे, कुछ परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हो रहा है तो हमारी उम्र में बस परिवर्तन हो रहा है, पर जब हम बर्थडे मनाते हैं तो हम एक आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअलिटी में जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वचन हमें बता रहे हैं कि क्योंकि उसने हमको बनाया, किसने, ये ऐसा नहीं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है पर उससे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसको हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में जब हम कुछ अनुशासन है जो हमें परमेश्वर हमारे जीवनों में डालता है, कुछ डिसिप्लिन है जो परमेश्वर हमारे जीवनों में डालता है और ये प्रतिदिन प्रति वर्ष प्रति हमारे जब जन्मदिन आता है वो तब प्रभाव हमारे जीवन में। डोली बोल दो भैया, मेरे फोटो खींच देना। अरे रुक रहा है ना, क्या पूरा खाएगा? बस बस पकड़ ले, बाप रे खाएगा, आप ही कर सकते। तो फिलहाल हम लोग बैठ गए खाना खाने, ये बैठा है मेरा बड़ी हाय बोलो, तो ये उनका छोटा भाई, अपना यूट्यूब चैनल पैसा नहीं है, अपना थोड़ा इंट्रो, क्या नाम है और कैसा लगा हम लोग आए थे ऐसा कुछ? मेरा नाम बंची बकरा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, इसीलिए पहली बार भी मतलब ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है आपने। हाँ, तो ये ब्लॉग में आएगा, तो ब्लॉग में देखना है।
बाकी तो यहाँ पे खाना बांट रहे हैं सभी, आधे लोग यहाँ पे बैठे हैं सामने में। अच्छा दीदी तो ये है जिनका बर्थडे कल था और आज दे रहे हैं पार्टी, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना हमारे बर्थडे आपने मिस कर दिया। ये वीडियो तो बाद में डालेगा ना, कुछ बोलना चाहते हो? अरे वो है ना, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आइएगा, जो मिस हो गया है वो भी आइएगा। अच्छा लगा हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आज मैं आपको एक अच्छा ही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी बर्थडे होता है ना बहुत खर्चा होता है, क्या और परेशानी भी होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं मैच जो कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। कैसा लगा यार? वहाँ पर टेक देना, ये हमारा जुगाड़ दिखेगा। हर्षिश खा के बता तो तू भी कैसा लग रहा था। रिव्यू दे देते हैं, रिव्यू दे देते हैं क्योंकि उनको खाने का रिव्यू देना बहुत अच्छे से आता है। बढ़िया बढ़िया, सच है उसकी बात, 100%। सो फिलहाल हम सभी जा रहे हैं घर और आज का जो ब्लॉग था वो यहीं कंप्लीट हो गया। मैं दिख नहीं रहूँगा लेकिन काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे दिन और आशा करते हैं कि ऐसे दिन हमारे लाइफ में और आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। खुशी।